हमारे भाई बहन जो भी विकलांग हैं उनके लिए एक इतना अच्छा उद्योग है कि जिसके माध्यम से वो विकलांग भाई बहन भी हमारे जैसे चल सकते हैं, समाज में वो सामान्य रूप से सामान्य वर्ग सामान्य लोगों के तरह समाज में जीवन यापन कर सकते हैं। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जिनके पाँव नहीं हैं, वो बिना पाँव के आए हैं लेकिन जब यहाँ से वापस जाएंगे तो अपने पैरों पर वापस जाएंगे, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। मारवाड़ी युवामंच का है ये नारा, विकलांग रहित हो देश हमारा। मारवाड़ी युवा मंच रिसरा शाखा द्वारा निशुल्क कृत्रिम पैर कैलिपर प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ रिसरा नगर पालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा ने किया। मौके पर स्थानीय पार्षद शशि सिंह झा के अलावा शाखा के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष सुशील भाव सिंह का, सचिव अजय सिंघल, सह चेयरमैन अशोक झुंझुनवाला, सलाहकार संजीव लोसलका के साथ बजबज रिफाइनरीज लिमिटेड डॉक्टर्स चॉइस के शिवम अग्रवाल मौजूद थे। पहले दिन 155-160 लोगों ने अपना नाम पंजीकृत करवाया है जिन्हें रविवार को कैलिपर और कृत्रिम पैर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ जरूरतमंदों में व्हील चेयर का वितरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश आरती से की गई है। रिसरा के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा ने संस्था को धन्यवाद दिया और कहा कि यह एक अनुपम प्रयास है, हमारा पूरा सहयोग संस्था को रहेगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि रिसरा में टीवी जांच केंद्र की भी व्यवस्था अति शीघ्र की जाएगी। बहुत ही खुशी की बात है और यह संस्था की उन्नति की मैं कुलपति बप्पा से मैं कामना करता हूँ कि संस्था और आगे बढ़े और हम लोगों को सिर्फ रिसरा के ही नहीं इस देश के हर शहर और ग्राम के लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हो सके। वहीं पार्षद शशि सिंह झा ने संस्था के कार्यों को सराहा और कहा कि यह एक अद्भुत प्रयास है, सही मायनों में समाज सेवा का बेहतरीन उदाहरण है। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये बहुत ही एक अच्छा और नेक उद्योग है समाज के प्रति कि हमारे समाज में जो ये एक हमारे भाई बहन जो भी विकलांग हैं उनके लिए एक इतना अच्छा उद्योग है कि जिसके माध्यम से वो विकलांग भाई बहन भी हमारे जैसे चल सकते हैं, समाज में वो सामान्य रूप से सामान्य वर्ग सामान्य लोगों के तरह समाज में जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए मैं असंख्य धन्यवाद दूंगी मारवाड़ी युवा मंच को कि उनके नेतृत्व में उनके संरक्षण में इस तरह का एक बढ़िया कार्यक्रम लिया जा रहा है और मैं चाहूँगी कि आगामी दिन इसको और बड़े रूप में आकार दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विकलांग भाई बहनों को इससे जोड़ा जाए जिससे कि समाज में हर व्यक्ति जो विकलांग है वो हमारे और आपके तरह समान रूप से समाज में अपना जीवन यापन कर सके। संस्था के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि दूर दराज से जरूरतमंद इस शिविर का लाभ उठाते हैं। हमें गर्व होता है कि दो दशकों से भी ज्यादा समय से हम लोग कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण का कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी यह प्रयास चलता रहेगा। कार्यक्रम को बजबज रिफाइनरीज लिमिटेड डॉक्टर चॉइस का पूरा सहयोग प्राप्त है। कंपनी के शिवम अग्रवाल ने कहा कि समाज सेवा के लिए हमेशा वे तत्पर रहते हैं। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जिनके पाँव नहीं हैं, वो बिना पाँव के आए हैं लेकिन जब यहाँ से वापस जाएंगे तो अपने पैरों पर वापस जाएंगे, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए और ऐसा कार्यक्रम हमेशा करते भी रहते हैं। जिनके पाँव नहीं है, जिनको इस तरह के कैलिपर और कृत्रिम पैर की आवश्यकता है, तो हमने उन्हें भी आश्वासन दिया है कि हम वो कैंप वहाँ जाकर लगाएंगे और आप सबको फिर से वहाँ बुलाएंगे हम। आज हमारे जितने भी भाई बहन हैं जिनको आवश्यकता है उनके आज हम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हैं। एज अ ब्रांड भी हम काफ़ी इस कॉज को सपोर्ट करते हैं बिकॉज हमारे हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने बेसिक रिक्वायरमेंट से वंचित नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर्स चॉइस ब्रांड को हम रिप्रेजेंट। मारवाड़ी युवा मंच तीसरा शाखा इस सेवा के क्रम में अपने उत्साह को प्रदर्शित करते हुए ये प्रोग्राम लेके आया है। हर वर्ष की भांति चूँकि पिछले दो वर्ष को अगर छोड़ दें तो यहाँ हमेशा से यह कार्यक्रम होता रहा है और इस बार इन्होंने बहुत ही उत्साह से इस कार्यक्रम को मनाने का अपना प्रोग्राम किया है। ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच का ये
परमानेंट प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है और ये हमारी शाखा जो है 2005 से लेकर के आज तक हर वर्ष करती आ रही है इस प्रोजेक्ट को। सिर्फ पिछले दो वर्षों में कोविड पीरियड के कारण से हम लोग नहीं कर पाए थे और इस वर्ष भी बहुत ही ज़ोर शोर से और बहुत लगन से हम लोग ऐसे जनरली हम लोग इसको डोनेशन कलेक्ट करके करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों को बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ है बजबज रिफाइनरीज़ और डॉक्टर चॉइस की ओर से। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को फुल्ली स्पॉन्सर किया है, जो भी खर्च इसमें आएगा उन लोगों ने वहन करने का ये किया है और ये कैंप बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ व्यवस्थित हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने ऑल इंडिया बेसिस पर भी इस तरह के सीरीज ऑफ कैंप 50 कैंप पूरे इंडिया में कंप्लीट किए हैं और ये इस कैंप को करके एक बहुत ही मतलब आत्मसंतुष्टि मिलता है कि किस तरह का जो कार्यक्रम है इसमें लोग लाभान्वित होते हैं, वो बहुत दुआ दे करके जाते हैं और ये दुआएं आगे और भी कार्य संचालन करने में हम लोगों को बहुत काम आती है। मारवाड़ी युवा मंच का है ये नारा, विकलांग रहित तो देश हमारा। मारवाड़ी युवा मंच ऋषा बहुत वर्ष से सामाजिक कार्य करती आ रही है और उसी सामाजिक कार्य में एक अपना विकलांग शिविर का भी आयोजन हर वर्ष के बाद ही करती आ रही है और करती रहेगी। इसी तरह की जो विकलांग भाई है जो हम लोग के जैसे चल नहीं पाते हैं और पाँव लगने के बाद वो चल पाते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, काम में काम काज में जा सकते हैं, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। जो यदि पाँव लगने के बाद वो रोजी रोजी कमाने लग जाए उससे बड़ी खुशी अपने को समाज के लिए कोई नहीं है। इसी के लिए अपने ये शिविर लगाते हैं कि वो उससे लाभान्वित हो। इतना अच्छा काम कर रही है कि हम लोग हमेशा कैलिपर का काम करते रहते हैं और नारी शक्ति भी अपना हमेशा करती रहती है और हम लोग पूरा हैं, हम लोग इतना सबका सेवा भाव करना, सबको बुलाना करना और अपने कैलिपर का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और सबको निमंत्रण देते हैं। कार्यक्रम में समिति के पवन पेड़ीवाल, अभिषेक करनानी, पवन जैन, विश्वनाथ भंसाली, प्रमोद जैन, पंकज राठी, अशोक पुरोहित मुख्य रूप से संलग्न रहे। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।